गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को डिस्कस करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिए। 31 मार्च 2018 बैंक स्टेटमेंट ऑफ दिनेश शोड ए क्रेडिट बैलेंस 15,650, वेयर एज कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस 15,200। यहाँ देखिए पासबुक का बैलेंस 15,650 क्रेडिट है, क्रेडिट माने पॉजिटिव है, जबकि कैशबुक में डेबिट है, डेबिट मतलब 15,200 है। द रीजन ऑफ डिफरेंस का रीजन देखिए, चेक इशू किया गया 6,000 का रोशन को, 3,840 का डेनियल को, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये चेक इशूड है लेकिन बैंक में अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे में इसको हम लोग पासबुक में माइनस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो चेक इशू करने से कैशबुक कम हो जाता है, पासबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक को कम कर देंगे। बैंक चार्जेज कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब पासबुक में रिकॉर्डेड है, पासबुक कम हो चुका है तो उसको बढ़ा देंगे। नितेश डायरेक्टली डिपॉजिट, कोई बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिया है जिसका एंट्री कैशबुक में नहीं है, तो इससे पासबुक बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर देंगे। ठीक है। टू चेक्स 5,150 12,500 का कलेक्टेड बाय द बैंक इन अप्रैल, जबकि जमा हुआ था मार्च में, इसको बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ है, चेक डिपॉजिटेड कैशबुक में प्लस होता है, कैशबुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट बैंक क्रेडिट कर दिया है, पासबुक बढ़ गया है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक को कम कर देंगे। अगर ऐसे बनाते हैं तो आंसर 15,200 आ जाएगा। डबल बैलेंस दिया गया है, डबल बैलेंस देने से आप कैशबुक से भी स्टार्ट कर सकते हो, पासबुक से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट दिनेश के लिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट बोला है, क्रेडिट का मतलब हो गया पॉजिटिव, 15,650। एडजस्टमेंट फॉर, ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करने से कैशबुक माइनस हो जाता है तो हम लोग पासबुक को भी माइनस कर देंगे, 9,840। ठीक है। बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक चार्ज का एंट्री कैशबुक में नहीं हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक माइनस हो गया है तो प्लस कर देंगे 350। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कोई कस्टमर बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिया, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तब पासबुक बढ़ गया तब पासबुक को कम कर देंगे, माइनस कर देंगे 8,160। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हम लोग चेक जमा किए, कैशबुक में प्लस लिख दिए हैं, बैंक वाला अभी उसको रिकॉर्ड नहीं किया है तो पासबुक में भी प्लस कर देंगे, दो चेक है 17,650। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक
not recorded in कैश फ्लो. बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिट किया है, प्लस कर दिया है, पासबुक प्लस हो गया है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो पासबुक को माइनस कर देंगे 450. क्लियर है? दोनों कॉलम प्लस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 18,000, ये आपका हो जाएगा 15,650 प्लस 9840 प्लस 8160 प्लस 450 34,100. देखिए माइनस वाला बेसी है, 34,100 हो जा रहा है. तो बैलेंस एज पर कैश बुक यहां हम लोग गलती किए हैं. ये क्रेडिट था, क्रेडिट मैंने प्लस होता है 15,650 होगा. क्रेडिट मैंने प्लस होगा, प्लस में देना चाहिए, गलती हो गया, माइनस में डाल दिए, यहां से काट के उसको प्लस में ले लिए. टोटल आया 49,750. 18,000 प्लस 15,650 33,650. अच्छा, इसका टोटल देते हैं 9840 8160 450 18,450. यहां देखिए उल्टा हो रहा था, प्लस वाला बेसी है 15,200, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि प्लस आया. अब यहां देखते हैं क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था, ये देखिए 15,200. ठीक है, तो हम लोग से स्टार्टिंग में मिस्टेक हुआ था. हम लोग लिखे थे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है प्लस, अमाउंट लिख दिए थे माइनस कॉलम में जो रॉन्ग था, प्लस कॉलम में ले लिए. उसके बाद प्लस माइनस किए, प्लस का टोटल हुआ रेक्टिफाइड टोटल 33,650, माइनस का हुआ 18,450, माइनस कर दिए 15,200. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की. ये आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च. बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल माने पॉजिटिव प्लस है. बैंक हमको गलती से क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया माने प्लस कर दिया, तो इसको हमको माइनस करना होगा. सर्टेन चेक 4,500 का इश्यू किए थे, अभी तक क्लियर नहीं हुआ. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैशबुक माइनस हुआ था, पासबुक को माइनस करेंगे. हायर परचेज पेमेंट है, एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक हमारे बिहाफ में 950 रुपए का पेमेंट कर दिया, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, बैंक पेमेंट कर दिया, पासबुक माइनस है, तो प्लस कर देंगे. ए चेक 600 रिसीव डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाई बैंक वॉज अकाउंटेड एज ए रिसीप्ट इन द कैश कॉलम. हम लोग को चेक मिला, बैंक में जमा कर दिए, बैंक रिकॉर्ड कर दिया, हम लोग कैशबुक में गलती से कैश कॉलम में लिखे हैं, या बोल सकते हैं आप कैशबुक में एक तरह से लिखे ही नहीं है, तो बैंक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक प्लस हो गया, अब उसको माइनस कर देंगे. अदर चेक 60,500 का डिपॉजिट किए थे, 6,000 का कलेक्टेड बाई बैंक, 8,500 का चेक जमा किए थे, 6,000 का बैंक कलेक्ट किया, तो 2,500 बच गया. इसको बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, जमा किए थे, कैशबुक प्लस हुआ था, पासबुक को प्लस करेंगे. ऐसे करके बीआरएस बन जाएगा, 9214 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा. ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल माने क्रेडिट, अब क्रेडिट बोला है तो प्लस होगा 9214. एडजस्टमेंट फॉर रॉन्गली क्रेडिटेड
भाई बैंक बैंक हमारे पासबुक को गलती से क्रेडिट कर दिया है, 1650 प्लस कर दिया है, माइनस कर लेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किए थे बैंक में पहुंचा नहीं है, कैशबुक माइनस होता है, पासबुक को भी माइनस कर देंगे 4500। क्लियर है? हायर परचेज पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, बैंक हमारे बिहाफ में कोई हायर परचेज पेमेंट दे दिया है, पासबुक माइनस हो गया है, तो अब पासबुक को प्लस कर देंगे 950। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, पासबुक इंक्रीज हो गया है, चेक मिला बैंक में जमा कर दिए, पासबुक में लिख लिया, पासबुक बढ़ गया, पासबुक को माइनस कर देंगे 600। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, हम लोग बैंक में चेक जमा कर दिए, बैंक कलेक्ट नहीं किया, कैशबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक को बढ़ा देंगे 2500। अब प्लस माइनस का आंसर करना है, ये प्लस है 9214 प्लस 950 2500 12664, माइनस वाला है आपका 1650 4500 600 6750, प्लस वाला बेसी हो रहा है 5914। इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक, पासबुक से चालू किए थे, कैशबुक प्लस में आया, ठीक है। ये हो गया आपके सामने आंसर। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।